कश्मीर फाइल्स पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें कोर बात है जिसकी वजह से आपको ये सेकेंड पार्ट बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। देखो, पूरे भारत के अंदर मेजोरिटी में है हिंदू, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ में उसमें सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, पारसी, ये बाकी सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। लेकिन इकलौता कश्मीर एक ऐसा है जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम है और माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर को भारत में सक्सेसफुली मिला देते तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसको इस चीज़ का बिलीव हो जाता कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी सेफ है। क्योंकि यहाँ पर अगर कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता तो उनको ये लगता ना कि एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम है, उनके हितों की भी बात होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए आज सबसे ज़्यादा जहाँ दंगे होते हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ही होता है इंडिया के अंदर। कोई भी मोहल्ला हो या कहीं भी हो, चांदनी चौक या JNU या CAA प्रोटेस्ट, में ज़्यादातर आपको मुस्लिम्स ही दिखाई देंगे और हमेशा वो अपनी माइनॉरिटी का ही रोना रोते रहते हैं। तो इसीलिए जहाँ पूरे भारत के अंदर सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वो अच्छे से ट्रीट होती है, लेकिन कश्मीर में माइनॉरिटी होने के कारण जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है वो यहाँ पर ट्रीट नहीं हो पाई। तो अब आते हैं मेन पार्ट पे, जहाँ से कश्मीर फाइल्स मूवी शुरू होती है, कि 1990 में ऐसा कौन सा बम फटा जिसकी वजह से लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसमें कि इतनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, कुछ मतलब हमको तो काउंटिंग भी नहीं पता उस चीज़ की कि कितना बड़ा जेनोसाइड था वो। तो 1990 में जब ये जेनोसाइड हुआ, उससे पहले मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कुछ तो ऐसा किया होगा इन लोगों ने जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ पे मजबूर हुए करने को, क्योंकि कोई भी किसी को क्यों ही निकालेगा। कुछ तो ऐसी हरकतें करी होंगी पिछले 8-10 सालों में जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसा कदम उठाया। तो यहाँ पर शुरुआत होती है इन दंगों के भड़कने की 1982 में। 1982 में कश्मीर के सबसे बड़े लीडर यानी कि शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर 1983 में होने होते हैं इलेक्शंस। 1983 के इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर जीत जाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात हजम नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब कोई हमारा आदमी भी हो कश्मीर के अंदर जो कि हमारे लिए काम करे, ताकि हम पावर में रहें, कश्मीर पे हमारा थोड़ा कंट्रोल रहे। तो यहाँ पर CM बनाया जाता है गुलाम मोहम्मद शाह को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उनकी एक कठपुतली की तरह। तो जैसे ही कश्मीर के लोगों को ये पता लगता है कि यहाँ पर अब अलग अलग, यहाँ पर कश्मीर के लीडर भी राज करेंगे और वहाँ का CM भी होगा, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बढ़ना, कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब डिवाइड किया गया, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा था और जितने भी मिलिटेंट ग्रुप थे वो धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो रहे थे, कि उनको समझ में आने लग गया था कि ये धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी हथिया लेगी, हमको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा कश्मीर के लिए। फिर उसके बाद जो मेन दंगा भड़कने का सबसे बड़ा कारण बनता है वो बनता है 1986 में राजीव गांधी के द्वारा UP में बाबरी मस्जिद के अंदर पूजा करवाने का आदेश देना। आप लोग ये सोचो, किसी भी धर्म की कोई पवित्र जगह है, वहाँ पर ऐसा आदेश करना या बयान देना किसी भी कम्युनिटी को भड़का देगा। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आग कहाँ लगी, क्योंकि ये बोला गया था यूपी के लिए, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा आग कहाँ भड़की, कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी में थे मुस्लिम्स। तो जैसे ही राजीव गांधी के द्वारा ये बोला गया, उसके बाद से ही यहाँ पर कश्मीर की जो हालत थी वो बहुत नाजुक हो गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दंगा बिल्कुल पीक लेवल पर पहुँच गया, यानी कि बॉम्ब फटने के लिए तैयार था। वो साल था 1987 पर यहाँ पर होने थे इलेक्शंस। 1987 के इलेक्शंस में हुई यहाँ पर धोखेबाजी। जो कैंडिडेट इलेक्शंस में जीता हुआ था वो भी हार गया, क्योंकि यहाँ पर धोखेबाजी हुई थी। लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए क्योंकि डेमोक्रेसी का यहाँ पर कत्ल हो रहा था, कुछ भी डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म की परिभाषा यहाँ पर ट्रीट हो ही नहीं रही थी। यहाँ पर जहाँ एक तरफ राजीव गांधी ने अपनी कठपुतली गुलाम मोहम्मद शाह को बिठाया था, तो वो बिल्कुल ही फेल हो गए थे अपनी रणनीति में। तो वापस से यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी को लाया गया, जो कि शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। लेकिन अब तक ये आग इतनी भड़क चुकी थी कि बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप बन चुके थे, जिसमें कि एक सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप निकल के आता है JKLF, जिसे हम जानते हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल गया, कश्मीर के लोग डिवाइड होने लगे क्योंकि कश्मीर इकलौता एक मुस्लिम कम्युनिटी वाला एरिया सबसे ज़्यादा था इंडिया में। तीसरा, अब यहाँ पर जैसे ही बाबरी मस्जिद के बारे में बोला गया तो हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जाने लगा, और यहाँ पर जो रही कही कसर थी वो पूरी कर दी थी यहाँ पर, कि इस्लाम अब खतरे में आ गया है। तो जैसे ही ये बात बोली गई, उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे, कश्मीरी पंडित थे या हिंदू थे, उनको मारा जाने लगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है टीकाराम टिपलू का, जो कि BJP की पार्टी के थे। 14 सितंबर 1989 को इनको सरेआम बाजार के अंदर मार दिया जाता है। ये पहली हत्या होती किसी हिंदू की इतने बड़े लीडर की। और ये चीज़ यही नहीं रुकी, उसके बाद आते हैं हाईकोर्ट के एक जज,
जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का ही कोई लीडर था उसको सज़ा सुनाई थी, तो उनका भी दिन दिहाड़े उनको सबके सामने मार दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से वो आग भड़क चुकी थी कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाओ, हम लोग पूरे इंडिया के अंदर 500 मिनी कश्मीर बना देंगे, ये कहना था पाकिस्तान का। और जब यहाँ पर तारीख 19 जनवरी 1990 आती है तो लगभग 5 लाख लोगों को कश्मीर से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा क्या कहा जाता है, जो मिलिटेंट ग्रुप था, वो एक पोएम है जो वो यूज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों को पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। जागो जागो, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते, ला इला इल्ला, यानी कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमो, ए काफिरो, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, यानी रालिव गालिव चालिव, या तो कन्वर्ट हो जाओ या छोड़ के चले जाओ या मर जाओ, और अपनी औरतों को छोड़ जाना ताकि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है। रशिया अफगानिस्तान को इन्वेड करने गया था, लेकिन वहाँ पर वहाँ के जो यूथ थे उसको अमेरिका ने इतना भड़काया कि वो एक बहुत बड़ी आर्मी बन के निकला, जिसे हम तालिबान के नाम से जानते हैं आज। तो यहाँ पर ये कहना ही चाहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान जो कि एक काफ़ी छोटा देश है, और दूसरी तरफ रूस जो कि एक सुपर पावर था, उसको जब अफगानिस्तान जैसा देश हरा सकता है, वहाँ की यूथ एक आर्मी बना के हरा सकते हैं, तो ये तो फिर भी पाकिस्तान है, ये तो फिर भी एक छोटा सा पार्ट कश्मीर है। तो अभी तक यही था सारा मुद्दा कि कश्मीर की क्या स्टोरी थी, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्या भाषणबाजी करी गई यहाँ पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ हमें न्यूज़ तब सुनने को मिलती है जम्मू कश्मीर की, या तो आर्टिकल 370 हटाया जाता है, या पुलवामा जैसा कोई बड़ा अटैक हो जाता है, या फिर बहुत सारे कई आर्मी मर जाती, चाहे गलवान वैली हो, तो हमें तभी वो चीज़ सुनने को मिलती है। अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नेता और अभिनेता दोनों ने ही यहाँ पर रोटी सेकी अपनी, खूब यहाँ पर पैसा कमाया है, पर कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।